नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड के बारे में। हाल के खबरों पर नजर डालें तो चारों ओर सिर्फ यही सुनने को मिलता है, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, बॉयकॉट रक्षाबंधन, बॉयकॉट शमशेरा। और ऐसे भी फिल्म हैं जो बॉयकॉट की जा रही हैं, जिनका सिर्फ नाम अनाउंसमेंट हुआ है या कहे तो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। शाहरुख खान की फिल्म पठान, जिसका अभी से विरोध होना शुरू हो गया है। सलमान खान की फिल्म दबंग 3, ऋतिक की फिल्म विक्रम वेड़ा या टॉलीवुड फिल्म विजय देवराकोंडा की मच अवेटेड फिल्म लाइगर, सभी फिल्मों का विरोध किया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन फिल्मों का विरोध क्यों किया जा रहा है? आखिर इन फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, एक्टर, एक्ट्रेस या कई लोग जो इन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आखिर उनसे ऐसा क्या पाप हो गया है जो इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है, पूरे बॉलीवुड का विरोध किया जा रहा है? तो चलिए, आज का शानदार सेशन शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। शुरुआत करते हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म से, जो आमिर खान की फिल्म थी। इस फिल्म का बहुत ही जोर शोर से विरोध किया जाता है और इसका असर ये होता है कि फिल्म बुरी तरीके से पिट जाती है और महज 55 करोड़ तक की कमाई कर पाती है। और वहीं बात करें अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन की, तो ये भी बहुत बड़ी फिल्म थी, हाई बजट फिल्म थी, लेकिन ये मात्र 40 करोड़ की कमाई कर पाती है। और वहीं शमशेरा का भी वही हश्र होता है जो इन फिल्मों का भी हुआ है। अब विरोध का कारण पर चर्चा करते हैं और कारण आपको सुनकर के अजीब लगेगा, आपको हंसी भी आएगी, पर कारण तो वही है। पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ईमानदारी से बताइएगा, क्या देश की समस्या पर बात करना क्या गलत है? क्या देश की स्थिति पर सवाल उठाना क्या गलत है? क्या अपनी समस्या को लोगों के सामने रखना, क्या ये देशद्रोही हो जाता है? क्या एक विशेष पार्टी के बारे में बोले तो ही सिर्फ सही है? अगर ना बोले तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा या एंटी हिंदू हो जाएगा? इसका उत्तर आपको भी लग रहा होगा कि नहीं, देश की समस्याओं पर बात होना चाहिए, जो गलत है उस पर सवाल उठाना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये सारे प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे आज का टॉपिक से क्या लेना देना है? पर इसका मतलब है, इसका लेना देना है, आपको बताते हैं बिल्कुल शुरुआत से, और समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि आखिर बॉयकॉट बॉलीवुड क्यों ऐसा ट्रेंड कर रहा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि आमिर खान ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि उसकी एक्स पत्नी किरण राव, जो कि एक हिंदू है, उससे लगता है कि उसे देश छोड़ करके चले जाना चाहिए। Have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around. क्योंकि देश की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है और ये स्टेटमेंट दिया था 11 में, उस समय देश में रेप के घटना बहुत देखने को मिल रहा था, चाहे निर्भया रेप केस हो या बदायूं रेप केस। पर इस स्टेटमेंट के बाद इसका जस्ट उल्टा असर होता है। देश के समस्या पर ना बात करते हुए आमिर खान के स्टैंडपॉइंट पर ज़्यादा चर्चा होता है और आमिर खान को देशद्रोही साबित लग कर दिया जाता है। क्या एक स्टेटमेंट के द्वारा किसी को देशद्रोही घोषित किया जा सकता है? और आग में घी का काम किया आमिर के पीके मूवी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में दिखाया गया। बवाल तो ये हुआ कि हिंदू देवी देवताओं का छवि बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है, ये बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ था जब पीके मूवी आई थी, पर उसमें पाखंडी बाबा से दूर रहने का सोशल मैसेज दिया गया था। ये दिखाया गया कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैसेज देने की कोशिश किया गया कि निर्मल बाबा जैसे पाखंडी बाबाओं से दूर रहना चाहिए, जो ये कहते हैं कि हरी चटनी के साथ समोसा खाइए, कृपा आएगी। कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम धर्म में भी तो बहुत कुरीतियां हैं, उसको तो कम दिखाया गया पीके मूवी में। तो आमिर की एक और मूवी है सीक्रेट सुपरस्टार, जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। उसमें मुस्लिम कुरीति को ही दिखाया गया था। और वैसे भी अगर बात करें पीके मूवी की, तो पीके मूवी बनाने वाले डायरेक्टर एक हिंदू हैं, जिनका नाम है राजू हिरानी। फिल्म के राइटर हैं अभिजीत जोश, वो भी एक हिंदू हैं। प्रोड्यूसर हैं विदु विनोद चोपड़ा,
जो कि बहुत ही जाने माने हैं, वो भी एक हिंदू हैं। म्यूजिक है शांतनु मोहतरा का, वो भी एक हिंदू हैं। हीरोइन अनुष्का शर्मा, वो भी एक हिंदू हैं। और को एक्टर रहे सुशांत सिंह राजपूत, जो कि अब नहीं रहे, वो भी एक हिंदू थे। पर टारगेट किया गया सिर्फ आमिर खान को, क्यों? क्योंकि उसने एक बयान दे दिया और लग गया ठप्पा एंटी हिंदू का, देशद्रोही का। एक रिपोर्ट से जानकारी मिली जो कुछ न्यूज में पब्लिश हुई थी, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली है। इसमें यह बताया गया कि आमिर खान को टारगेट करने और उसका छवि बिगाड़ने के लिए बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा कैंपेन चलाया गया था। और यह सारा रिपोर्ट में बताया गया था एक आईटी सेल के एक्स मैनेजर के द्वारा। और अभी आप देख रहे होंगे बॉयकट लाल सिंह चड्ढा। अब बात करते हैं फिल्म रक्षाबंधन का। तो इस फिल्म के राइटर हैं कनिका डिलो। कनिका डिलो ने ट्विटर पर एक पोस्ट कर दिया जो कोविड के समय में था, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें ये लिखा गया था कि उनको बेड नहीं मिल रहा है, वो पार्किंग लॉट में मर रही हैं, क्या यही अच्छे दिन हैं? बस इनका कहना था कि यहाँ पर देशद्रोही का ठप्पा उन पर भी लग गया कि नहीं, देश का समस्या को बोला जा रहा है, बॉयकट रक्षा। और इसका असर ये होता है कि रक्षाबंधन बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल धड़ाम से गिरती है। पर प्रश्न ये है, क्या देश का स्थिति पर सवाल भी नहीं उठाया जा सकता है? क्या कोई पूछ भी नहीं सकता है? क्या कुछ बोल भी नहीं सकता है? अगर बात करें शमशेरा का विरोध का, शमशेरा का भी बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया था। शमशेरा का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि उस फिल्म में हिंदू के ऊंचे जाति के द्वारा नीचे जाति का शोषण को दिखाया गया। बस बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा एंटी हिंदू का ठप्पा लग गया। क्या आपने भी इतिहास नहीं पढ़ा क्या कि पहले जाति पाति थी, ऊंचे जाति के द्वारा नीचे जाति के लोगों के द्वारा शोषण किया जाता था। ये घटना अभी भी देखने को मिलता है। अगर हाल के घटना के बारे में बात करें तो राजस्थान का एक घटना है जो एक नीचे जाति के बच्चा, जो स्कूल का स्टूडेंट था, उसको जान से मार दिया जाता है उसके प्रिंसिपल के द्वारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ऑफिस से प्रिंसिपल के घड़े से पानी ले लिया था और इसका कीमत चुकाना पड़ा उसका जान से। क्या ये शोषण नहीं था? पर ये फिल्म में दिखाया गया कि ऊंचे जाति का नीचे जाति पर शोषण किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसके खिलाफ कैंपेन चला दिया जाता है और इसका फिल्म का बॉयकॉट किया जाता है, इसका विरोध किया जाता है। कुछ दिन पहले आपको एक घटना याद होगा बुलंदशहर का। बुलंदशहर में एक हिंसा हो जाता है जिसमें भीड़ ने पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मार देती है। पर सरकार एक इंस्पेक्टर का हत्या पर न ध्यान दे करके गाय के हत्या पर ज्यादा ध्यान देती है। इस घटना पर जाने माने कलाकार नसरुद्दीन शाह ने एक बयान दिया। उस बयान में यह कहा गया कि एक पुलिस इंस्पेक्टर से ज्यादा एक गाय की मौत का ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। बस क्या था, बीजेपी आईटी सेल के द्वारा तुरंत ही कैंपेन चला देती है नसरुद्दीन के खिलाफ। नसरुद्दीन भी देशद्रोही साबित, बस एक पार्टी के द्वारा। अब यहाँ पर बॉयकट नसरुद्दीन शाह ट्रेंड करने लग जाती है और ये भी बात होता है कि इसका फिल्म का भी विरोध करो। ऋतिक का फिल्म का बात करें तो ऋतिक का फिल्म का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऋतिक ने आमिर का सपोर्ट किया, बस इसके लिए बॉयकट विक्रम वेड़ा। एंटी हिंदू का जो टैग दिया जा रहा है सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है जो एक खास पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, और वो पार्टी है बीजेपी। आप ऐसे कई एग्जांपल देख सकते हैं, बीजेपी पार्टी धार्मिक राजनीति करके देश में मेन मुद्दा से भटकाना चाहती है। आईटी सेल के मेंबर बस इन युवाओं को बस उलझा करके रखना चाहती है। देश की मेन जो मुद्दा है, जो मेन समस्या है, उस पर बात न करके फिल्म को बॉयकट करो तो इसका ये करो वो करो, ये देशद्रोही है, बस इसी में उलझा करके रखना चाहती है। ये रोजगार का बात नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी रोजगार देने में असमर्थ है। ये महंगाई का पर बात नहीं कर सकते क्योंकि ये महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बॉयकट का रूट प्रॉब्लम क्या है, क्या मेन समस्या क्या है।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बॉलीवुड में ऐसे कई सारे कमियां हैं जिनका विरोध होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए, उसमें चेंज होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बॉलीवुड की ये है कि उसका कंटेंट, उसका स्टोरी बहुत ही बेकार स्टोरी रहता है, जो सदियों से चला आ रहा है, जो आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, बस वही घिसी पिटी कहानी फिर से दिखाया जा रहा है। और अभी का अगर देखा जाए तो रीमेक का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, टॉलीवुड फिल्म का रीमेक बना दिया गया या हॉलीवुड फिल्म का रीमेक बना दिया गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसका ओरिजिनल कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म फिल्मों में देखने को बहुत ही ज्यादा मिलता है, पर वो तो पॉलिटिक्स में भी है, पर इसमें सुधार होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जिन फिल्मों का विरोध होता है सिर्फ वही नहीं चलती है। हाल ही में अभी अक्षय की फिल्म आई पृथ्वीराज, अक्षय हमेशा बीजेपी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, फिर भी उसकी फिल्म नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि उसका कंटेंट तो बहुत ही बेहतर था, लेकिन फिल्म की एक्टिंग जैसा होना चाहिए, जैसा डिमांड था फिल्म के लिए, वैसा मेहनत नहीं किया गया, बस लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए फिल्म फ्लॉप हो गई। कंगना रनौत जो हमेशा बीजेपी का सपोर्ट करते रहते हैं, वो तो यहां तक कहते हैं कि प्रधानमंत्री ईश्वर का आरोप है, लेकिन उसकी फिल्म इतनी बड़ी डिजास्टर साबित होती है कि बॉक्स ऑफिस पर एक दिन भी टिक नहीं पाती है। तो ये था बॉयकॉट बॉलीवुड का राज। कैसा लगा ये जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाते जाते अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।